नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद में कई सालों से अरोमा थेरेपी का प्रयोग किया जाता रहा है। इन दिनों इस थेरेपी को तनाव या चिंता दूर करने में इस्तेमाल किया जा रहा है। कई आयुर्वेदिक चिकित्सकों और ग्रंथों की माने तो इसमें फल फूल पेड़ पौधे जड़ तना पत्ती सब्जियां और मसाले का प्रयोग किया जाता है। वे पूर्ण रूप से प्राकृतिक होते हैं जिनका सीधा असर शरीर के रोगग्रस्त हिस्से पर पड़ता है। अरोमा थेरेपी को एक कला और एक विज्ञान दोनों के रूप में माना जाता है। अरोमा का अर्थ है खुशबू व थेरेपी का मतलब है उपचार, यानी खुशबू की मदद से इलाज। यह एक औषधीय उपचार की प्रक्रिया है जिसमें कई पौधों से अहम तत्व निकालकर उसका प्रयोग रोगों के इलाज में होता है। इस थेरेपी में कई तरह के तेल, पानी की भाप, कुछ सुगंधित मिश्रण आदि का इस्तेमाल मालिश और नहाने के लिए किया जाता है। इस थेरेपी के दौरान शरीर पर मौजूद एक्यूप्रेशर और बिंदुओं की बाहरी रूप से मसाज की जाती है जिससे शरीर को आराम मिलता है। एक कुशल ब्यूटीशियन अक्सर इस थेरेपी की सलाह देती है क्योंकि एक तो यह आपकी कुदरती खूबसूरती प्रदान करता है। तो आइए अरोमा थेरेपी के कुछ महत्वपूर्ण फायदों के बारे में जानते हैं। यह तनाव से बचने के लिए बहुत ही कारगर उपचार है। इस उपचार के दौरान मस्तिष्क को बहुत शांति मिलती है। सुगंधित फूलों के साथ तेल की मालिश से तनाव तुरंत गायब हो जाता है। इससे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और शरीर सक्रिय हो जाता है। यह शरीर को ऊर्जावान बना देता है। हमारे मस्तिष्क में इन सुगंधों को पहचानने वाले न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स सुगंध के कारण मस्तिष्क को एनर्जेटिक बना देते हैं। यह चेहरे की चमक निखारता है तथा पील मुहासे भी ठीक करता है। त्वचा पर होने वाली खुजली और घमौरियों से भी बचाता है। तन और मन रहते हैं स्वस्थ। एरोमा थेरेपी त्वचा व बालों के साथ साथ मन को भी स्वस्थ रखती है। थेरेपी में एसेंशियल ऑयल का प्रयोग किया जाता है जो फूल पत्तियों व पौधों से बनाया जाता है। जोड़ों के दर्द में लाभदायक। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में जोड़ों के दर्द और अर्थराइटिस से राहत पाने के लिए कई तरीके बताए गए हैं। उन्हीं में से एक अरोमा थेरेपी भी शामिल है। इस पद्धति में एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है। रूखी व ऑयली त्वचा के लिए फायदेमंद। रूखी त्वचा के लिए जिरेनियम, रोज, चंदन, नरोली, पचौली, कैमोमाइल तेल की थेरेपी देते हैं। इससे त्वचा का रूखापन खत्म होता है और रक्त संचार बढ़ता है। त्वचा स्वस्थ व चमकदार बनती है। इसके अलावा ऑयली त्वचा के लिए लेमन, बार्गामोट, लैवेंडर, मिंट, बेसिल ऑयल से थेरेपी देते हैं। इससे त्वचा की तैलीय सतह साफ हो जाती है, स्किन की चमक बढ़ती है, दाने भी कम होते हैं। अरोमा थेरेपी के कुछ नुकसान। वैसे तो अरोमा थेरेपी काफी फायदेमंद साबित होती है और इसका साइड इफेक्ट ना के बराबर होती है, लेकिन कुछ एसेंशियल ऑयल हार्मोनल संतुलन में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इसकी वजह यह है कि कई एसेंशियल ऑयल एस्ट्रोजन की तरह व्यवहार करते हैं और एंड्रोजन के प्रभाव को कम करते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अरोमा थेरेपी की ओर रुख करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। वैसे तो सभी अरोमा तेल बाजार में भी उपलब्ध होते हैं। ये एंटीसेप्टिक, गाढ़े व एंटीबैक्टीरियल होते हैं, अतः खरीदने से पूर्व इनकी शुद्धता की जानकारी अवश्य प्राप्त कर ले। तो दोस्तों, अगर आपने भी इस उपचार को आजमाया हो तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।